ये राजभर साहब हो या कोई और भी पार्टी हो, जिन्ना के सहारे कोई नहीं जीत सकता। जिन्ना का यहाँ कुछ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अन्ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से प्यार है, वो हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के ही रहेंगे और हमें हिंदुस्तान में ही रहना। ये जिन्ना प्रेम से क्या मिलेगा इन्हें? कुछ नहीं मिल सकता। ये राजनीति कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के नेताओं की बात करो ना, जिन्ना की बात ही करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, फिर जिन्ना की बात कहाँ से आ गई? राजभर जी को समझ नहीं आ रही कि हम जनता से वोट मांग रहे हैं, हिंदुस्तानी जनता से वोट मांग रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं पाकिस्तान का, इनको कौन वोट देगा? ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जनता से ये अपील ये करूँगा, अगर राजभर समाज भी है, उनके जितने भी राजभर भाई बंधु हैं, वो भी उनको बहिष्कार करना चाहिए। सुलहदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जो जिन्ना प्रेम है वो इस चुनाव में सामने नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर का एक कहना है मीडिया कर्मियों से कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना देते तो शायद देश के टुकड़े ना होते। चलिए इस पे हम जनता से बातचीत करते हैं कि जनता आखिर कैसे देख रही है। क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम इसरार मंसूरी है। इसरार मंसूरी, आप तो मुस्लिम समुदाय से हैं, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि देश का जो है प्रधानमंत्री वो जिन्ना होना चाहिए था, यानी कि अब इस चुनाव में 2022 के चुनाव हैं, उन्हें ओम प्रकाश राजभर जी को जिन्ना की याद जो आ रही है, क्या लग रहा है कि वोटर उनसे जुड़ जाएगा इस पे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और शायद राजभर साहब को जिन्ना को अगर याद करना है तो वो पाकिस्तान चले जाएँ, और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान में रह गए, वो भारत में रह गए। जिन्हें पाकिस्तान से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए। हमारे बुज़ुर्ग यहीं पर हैं, यहीं पर रह गए और यहीं पर रहेंगे। और रही जिन्ना वाली बात, तो अगर जो ये राजनीतिक स्टंट जो राजभर साहब खेल रहे हैं, इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। रही राजनीतिक पार्टी की बात, तो ये हर इंसान का अपना पर्सनल मुद्दा है, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। इससे जी क्या दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अभी सत्ता में है, सीएम बने हुए उत्तर प्रदेश के, क्या इन तरीके की बातें करके योगी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा क्या? जी नहीं, इससे योगी जी की सत्ता पे या योगी जी के कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए जो उन्होंने बेहतर समझा वो करा उन्होंने और कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह करेंगे जरूर। क्या दिखाई दिया आपको 4.5 साल में योगी के काम की बात की जाए तो? बाकी का तो छोड़िए, थोड़ा सा क्राइम रेट के ऊपर आएंगे कि क्राइम रेट में बहुत कमी आई है, ये सब देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि क्राइम रेट जहाँ जगह जगह दंगे होते थे और बलवे होते थे उसमें बहुत गिरावट आई है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ये राजभर साहब हो या कोई और भी पार्टी हो, जिन्ना के सहारे कोई नहीं जीत सकता। जिन्ना का यहाँ कुछ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अन्ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से प्यार है, वो हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के ही रहेंगे और हमें हिंदुस्तान में ही रहना। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम महेश कुमार है। ये जिन्ना प्रेमी इस देश को छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहीं राजनीति करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। यहाँ तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक मिल के रह रहे हैं। ये जिन्ना प्रेम से क्या मिलेगा इन्हें? कुछ नहीं मिल सकता। ये राजनीति कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के नेताओं की बात करो ना, जिन्ना की बात ही करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, फिर जिन्ना की बात कहाँ से आ गई? चाचा नेहरू भी थे, वो प्रधानमंत्री बने, वह देश का बंटवारा हुआ, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जो भी बने हो, मगर ये जिन्ना कहाँ से आ जाता है ये हमारी समझ में नहीं आता। वह हमारी तो पैदाइश भी नहीं है, हमने भी किताबों में ही पढ़ा है कि जिन्ना बंटवारे में पाकिस्तान चले गए और नेहरू जी यहाँ हिंदुस्तान में रह गए। अब अगर इस तरीके का चुनावी स्टंट अपनाएंगे राजनेता, इस तरीके की बातें करेंगे, तो जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये विकास की राजनीति है। योगी जी को कोई नहीं उखाड़ सकता, उन्होंने कुछ काम बहुत बढ़िया करे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब समाजवादी पार्टी का तो कोई कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये छोटी छोटी पार्टियों को विलय कर रहे हैं, तो ये उठपटांग बयान दिलवा रहे हैं कि जिन्ना प्रेम लियाओ, जिन्ना प्रेम लियाओ। जिन्ना प्रेम से होगा क्या? इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अखिलेश जी ने कहा है कि देश के लोगों को जिन्ना की किताबें पढ़नी चाहिए, जिन्ना के बारे में जानना चाहिए, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, हम नहीं हैं सहमत इस चीज़ से।
हमारा तो इतिहास ही इन्होंने गड़बड़ कर दिया। इतिहास रहा कहाँ? इतिहास तो जो इन्होंने पढ़ाया है हम वो पढ़ रहे हैं, इतिहास तो रहा ही नहीं है। और ना कभी इन्होंने सच दिखाया इतिहास में, इतिहास कभी सच आया हमारे सामने? नहीं आया। पता नहीं क्या क्या दिखा दिया भाई। ये कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो इतिहास लिख दिया वही हम पढ़ रहे हैं किताबों में। जिन्ना का कहाँ इतिहास है बताओ? है कहीं पे? नाम भी नहीं है, किताबों में भी नाम नहीं है। हाँ, ये नेताओं के घरों में अगर इतिहास होगा जिन्ना का तो कह नहीं सकते हैं। नेताओं के घर में जरूर इतिहास है जिन्ना का। इनका को जिन्ना प्रेम तो बहुत है। जिन्ना प्रेम नजर आएगा क्या 2022 चुनाव में? जिन्ना प्रेम से जीत जाएंगे राजभर जी? नहीं जीतेंगे। ये जिन्ना से बोल बोल के ये कभी नहीं जीत सकते, कितना ही भी कर लो जिन्ना प्रेम। और जिसने भी जिन्ना का प्रेम छलका है जिसको, वो राजनीति में नहीं आया है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। आप कैसे देख रहे हैं? आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी हमारा सोनू कुमार। सोनू, कैसे देख रहे हो जिन्ना प्रेम जो नजर आ रहा है, जिन्ना की जो बातें चल रही है, क्या जिन्ना की बात करके उत्तर प्रदेश में सत्ता पाली जाएगी? ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पब्लिक है ना वो योगी के साथ है, क्योंकि योगी ने अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए। आवासीय विकास का काम किया है और इसके साथ साथ काफ़ी अच्छे काम किए हैं जो कि काबिलियत तारीफ है। योगी जी ने बहुत ही अच्छी सार्वजनिक की काम किए हैं और यहाँ तक कि क्राइम तक का, जो आज दिन तक इतने रिकॉर्ड ख़राब थे, लड़कियों के साथ ये होता था वो होता था, आज के समय में लोग बेखौफ होके लड़कियां चल रही हैं। कोई डर नहीं है अब? कोई डर नहीं है और हम योगी के साथ हैं, हम योगी को ही वोट देंगे। पहले तो मैं राजभर जी से देश की जनता ये पूछना चाहती है, क्या वे हिंदुस्तान में रहते हैं पाकिस्तान में रहते हैं? अगर उनका देश प्रेम नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पर? उनको पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। राजभर जी की समझ नहीं आ रही कि हम जनता से वोट मांग रहे हैं, हिंदुस्तानी जनता से वोट मांग रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं पाकिस्तान का, इनको कौन वोट देगा? ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जनता से ये अपील ये करूँगा, अगर राजभर समाज भी है, उनके जितने भी राजभर भाई बंधु हैं वो भी उनको बहिष्कार करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि राजभर जैसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक भी नहीं है और वोट देने का तो बिल्कुल ही हक नहीं है, उनको अधिकार नहीं है मांगने का, क्योंकि रहते यहाँ पर हैं, पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। मैं भी राजपूत हूँ, अगर मेरा भी कोई राजपूत नेता खड़ा होता है, राजनाथ सिंह है और भी हमारे वी के सिंह हैं, अगर वो भी पाकिस्तान का देश प्रेम रखेंगे तो हम उनका ही बहिष्कार करेंगे। इसलिए राजभर को ये समाज में रहना है तो पाकिस्तान के गुण गाना बंद करें, जब ही जनता के बीच जा सकते हैं, नहीं जनता इनका बहिष्कार कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर के ऐसे बयान से क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अब की बार जनता को अपने कब्जे में कर पाएंगे, वोट बटोर पाएंगे और जो प्रदेश की गद्दी की तरफ उनकी नजर है मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या उत्तर प्रदेश के? राजभर जी अपनी सीट बचा ले अगर खड़े होते हैं तो हो सकता है कि वो अपना सीट भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा और देश की जनता उनका बहिष्कार करेगी, क्योंकि देश की जनता देश प्रेम करती है। ये पाकिस्तान का जो प्रेम है उनके विरुद्ध देश उनको उसके बारे में जरूर सबक देगी, सबक सिखाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय राजनीति के अंदर जिन्ना का कोई भी स्थान नहीं है। यदि स्थान होता तो भारत का विभाजन ही नहीं होता, और यदि भारत का विभाजन हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जिन्ना है। और दूसरे नंबर बात यह है कि आपकी राजनीति के अंदर आप देखते हो तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हर एक राजनीतिक दल अपनी रोटियां बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। और जैसे राजभर जी कह रहे हैं कि हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री ये जिन्ना को होना चाहिए, ये सरासर बिल्कुल गलत है और इसमें इनको कोई भी किसी तरीके का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और यदि फ़ायदा होगा तो विकास के ऊपर होगा, शिक्षा के ऊपर होगा, महिला सुरक्षा के ऊपर होगा, महंगाई के ऊपर होगा। महंगाई के ऊपर आज तक कोई भी दल अपना कोई विचार नहीं दे रहा है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है जो राजनीतिक दल जो होंगे ये अपनी ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि अगर मैं जिन्ना की बात करूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। देखो जी, वोट मिलने की तो बात बहुत दूर की रही। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि ये अपने ही कम्युनिटी के वोट ले लें वो बहुत बड़ी बात है। यदि इस बात पे वोट लेते हैं तो ये इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। जब ये चुनाव आते हैं तभी इन्हें तुष्टिकरण की राजनीति याद आती है। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि जिनके कारण हमारे देश के दो टुकड़े हुए, देश का विभाजन केवल जिन्ना के कारण हुआ। उस जिन्ना को पूरे भारत में सब जानते हैं और ये केवल तुष्टिकरण और इनकी वोट लेने के लिए ही उनका नाम ले रहे हैं।
बाकी इनको सब जानते हैं, इन्होंने जितने दिन भी शासन किया है मात्र इसी आधार पर किया है, तुष्टिकरण के आधार पर। या तो राजनीति को इन्होंने धर्म से जोड़ा है या जात बिरादरी से जोड़ा है, इनका संबंध विकास से कहीं तक भी नहीं है। मात्र इन्हें सीट चाहिए, मुख्यमंत्री का पद चाहिए, चाहे इन्हें जो कहना पड़े वही कहेंगे ये, मगर इससे इनका कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोग अब इनकी राजनीति को पहचान गए हैं। जिसे पाकिस्तान से प्यार है, मोहब्बत है, तो वो इंडिया के लिए क्या कर सकता है? वो कुछ सोच ही नहीं सकता, बयान उल्टे सीधे दे सकता है, इंडिया के लिए नहीं सोच सकता। क्या दिखाई दे रहा है ऐसे करके, इस तरीके की जो राजनीतिक समीकरण बनाकर जिन्ना को याद करके, क्या योगी को हरा देंगे? टक्कर दिखाई दे रही है क्या? हमें तो कहीं भी नहीं टक्कर दिखाई दे रहा, वो अपनी छवि और ख़राब कर रहे हैं, इनसे उनकी छवि और ख़राब हो रही है। योगी तक तो उन्हें पहुँचना ही बहुत भारी है, योगी तक ये कैसे पहुँच पाएंगे? जब जो तुम हमारे जहाँ रह रहे हो वहाँ के प्रति उल्टा बोलोगे तो उन्हें सपोर्ट कौन करेगा? जिस आदमी ने पूरे देश को बांट रखा है उस आदमी को हम कैसे प्रधानमंत्री बना सकते थे? आगे भी हम उन लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकते थे जिन्होंने देश के इतने खंड कर रखे, और जो कहते हैं वकालत करते हैं पाकिस्तान की, उन लोगों को पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए कायदे में, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान प्रेम है, उन्हें भारत में रहने का हक नहीं, उन्हें इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, तो जाते क्यों नहीं यहाँ से? क्यों यहाँ उनसे, उनके देश से ज़्यादा यहाँ मुसलमान रहते हैं, देश प्रेमी रहते हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग नेता नगरी के लिए अपने उस चीज़ को नेता नगरी चमकाने के लिए जिस पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, उन लोगों को तो देश में रहने का हक ही नहीं। पाकिस्तान जाएं और वहीं अपनी राजनीति करें, वहां ज़्यादा वोट मिलेंगे उनको।